नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको लगेगा कि वास्तव में इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है। इससे पहले कि हम जानकारी प्रारंभ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें। मित्रों, पूजा गृह में कभी भी दो शिवलिंग, दो शंख, दो सूर्य की प्रतिमा, दो गोमती चक्र, दो शालिग्राम तथा तीन गणेश और तीन देवी की प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए। घर में 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी देवी प्रतिमा ही रखनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर के लिए शुभ नहीं होता है, उसे मंदिर में रखना चाहिए। जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो शिव की आधी परिक्रमा, देवी की एक बार, गणेश की तीन बार, विष्णु की चार बार तथा सूर्य की सात बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आरती करते समय भगवान विष्णु के समक्ष 12 बार, सूर्य के समक्ष सात बार, दुर्गा के समक्ष 9 बार, भगवान शंकर के समक्ष 11 बार और भगवान गणेश के समक्ष चार बार आरती घुमानी चाहिए। पूजा करते समय केवल भूमि पर ना बैठें, आसन जरूर बिछावें। शिलान्यास सर्वप्रथम आग्नेय दिशा में होनी चाहिए। मध्याह्न, मध्यरात्रि और संध्या काल में नींव न रखें। घर के पूर्व में बरगद, पश्चिम में पीपल, उत्तर में पाकुड़ और दक्षिण में गुलर का पेड़ होना शुभ फलदायक होता है। ध्यान रहे कि पेड़ की छाया घर पर ना पड़े। दोस्तों, जब हम अपना नया घर बनाते हैं तो किसी दूसरे पुराने मकान का ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर सिर रखना चाहिए और प्रतिदिन माथे पर तिलक चंदन लगाकर ही कार्य के लिए निकलना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।